दौसा लोकसभा सीट पर टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा में घमासान बचा हुआ है। एक ओर जहां टिकटों का दावेदार अपनी दावेदारी जताते नजर आए, तो दूसरी ओर अब उनके समर्थक भी खुलकर सामने आने लगे। दौसा में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खिलाफ किरोड़ी मीणा के समर्थकों ने नारेबाजी की और उनका पुतला भी फूंका गया। नारेबाजी में वसुंधरा मुर्दाबाद और वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं के जमकर नारे लगाए गए। दरअसल कहीं ना कहीं पुतला जलाने वाले युवाओं को यह भनक लगी थी कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के टिकट में अड़चन डाल रही है और इसी बात से नाराज किरोड़ी समर्थकों ने दौसा के सोमनाथ चौराहे पर वसुंधरा का पुतला फूंका और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ब्राह्मण महासभा युवा जिला अध्यक्ष की मैं तरफ से आज वसुंधरा राजे का पुतला फूंका है। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे जनाधर नेता किरोड़ी लाल मीणा को प्रत्याशी नहीं बनाते हैं तो हम बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करेंगे, क्योंकि हम नरेंद्र मोदी से काफी प्रशंसा है, लेकिन राजस्थान का नरेंद्र मोदी हमारे किरोड़ी लाल मीणा है। अगर उनको जनाधर के हिसाब से अगर दरकिनार करते हैं तो हम बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करेंगे और वसुंधरा राजे की तानाशाही बिल्कुल। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।